नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कि ऑटोकैड में 3D ड्राइंग कैसे ड्रॉ करते हैं। आपको ये दिखाई दे रही होगी ड्राइंग, ये ड्राइंग हम ऑटोकैड में 3D में बनाने वाले हैं। ओके, तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो आपको मिल सके। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये बेस प्लेट है, ये बेस प्लेट हम निकालने वाले हैं। तो इसके लिए पहले टॉप व्यू में हम इसका एक ड्राइंग बनाने वाले हैं। टॉप व्यू क्लिक किया, उसके बाद ये टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक 30 प्लस ये 30 मतलब 60 फिर उसके बाद ये रेडियस कितनी है, 15 है। तो डायमीटर कितना होगा, 30 फिर 16 फिर ये क्लोज। ओके, तो अब ये रेडियस कितना है, 15 है। तो मैं यहाँ से इसको ये 15 निकाला, ये मैं अभी ट्रिम करने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ से ये कितना है, ये भी हम इसी ड्राइंग में निकालेंगे। तो ये जो है ये हम निकालेंगे यहाँ से, ये है मेरा रेडियस है 6 और ये डिस्टेंस है 15। ये मैं ट्रिम करूँगा। ओके, तो अब ये देखिए, ये सब सिंगल सिंगल लाइन है, ये अभी मैं अभी ज्वाइन करूँगा या रीजन करूँगा। ये पहले रीजन करता हूँ, ये देखिए ये हो गया, फिर से ये रीजन करता हूँ। ओके, ये भी कंटिन्यूस होगा, ये भी कंटिन्यूस होगा। अभी मैं आइसोमेट्रिक करता हूँ। ओके, तो इसको मैं एक्सट्रूड करने वाला हूँ अभी, एक्सट्रूड। उसकी थिकनेस कितनी है, 11 है। ओके, 11 है तो मैं 11 टाइप करो के यहाँ पे लिख दूँगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो है ये मटेरियल नहीं है, इधर ये स्लॉट है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करूँगा। यहाँ पर देखिए सब्सट्रैक्ट जो हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ये पहले सेलेक्ट कर लीजिए, फिर राइट क्लिक, फिर जो नहीं चाहिए वो सिलेक्ट करके राइट क्लिक। ओके, अभी मैं इधर 3D से दिखाता हूँ आपको। देखिए ये हॉलो हो गया, ये हो गया हमारा बेस। अभी ये साइड के जो है साइड का पोर्शन, ये हम निकालेंगे। फिर से मैं 2D करता हूँ, फिर इसको फ्रंट व्यू में जाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से कितना है, 27। ओके, 27 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 27, रेडियस कितना है, 15 है। तो मैं इधर 30 डायमीटर डालूँगा, फिर नीचे 27, फिर ये हो गया क्लोज। और सर्कल कितना है, यहाँ से 15 रेडियस, ये ट्रिम कर लिया मैंने, ये एडिट। यहाँ पे एक और सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल निकालूँगा मैं। कितना डायमीटर है, डायमीटर 15। ओके, तो इसको मैं रीजन करने वाला हूँ अभी। ओके, ये कंटिन्यूस हो गया, इसको कंटिन्यूस ऑलरेडी है, इसके लिए कंटिन्यूस नहीं किया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको एक्सट्रूड करने वाला हूँ दोनों को भी। थिकनेस कितनी है, 8 थिकनेस है, 8 उसको ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद आइसोमेट्रिक कर लिया, फिर इसको अभी मैं सब्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। ओके, ये देखिए सब्सट्रैक्ट नहीं है, 2D करूँगा, सिलेक्ट जो हमें चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए पहले, फिर राइट क्लिक, फिर जो नहीं चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए राइट क्लिक। ओके, तो ये हो गया हमारा 3D। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्लेस करूँगा। ये मैंने कॉपी कर लिया इसको। ओके, तो और इसको मूव करता हूँ। ओके, अब मैं आइसोमेट्रिक करता हूँ इसको, पूरे 3D में लाता हूँ।
देखिए हमारा ड्राइंग ये जो है ये कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आपको यहाँ पर रोटेड है, आप रोटेड करके भी देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया। तो आपको ऐसे ही और कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग में ड्रॉ करने वाला हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।